हेलो एवरीवन, LSU 14 का जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में आपके, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अभी आपका पेपर हुआ है 22 सितंबर को, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पेपर मैंने पता किया है। तो जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें प्रैक्टिकल में ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं, जो फैमिली है प्लांट की फैमिली, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें जो वाइवा हुआ है उसमें भी, वाइवा में भी ज़्यादातर फैमिली से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे, क्योंकि मुझसे भी जब मेरा भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल हुआ था स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था सबसे फर्स्ट टाइम पे, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कोई भी फैमिली है या जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली है, यह मुझसे तो पूछा गया था कंपोजिट फैमिली, तो उससे ये पूछा गया था कि कंपोजिट फैमिली जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको एस्टेरेसी फैमिली बोलते हैं। तो यह और दूसरा पूछा गया था इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस पूछा गया था आपका जो ऑसिमम होता है उसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो उसकी फैमिली का नाम पूछ लिया गया था। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर आप क्या करेंगे, जितने भी फैमिली हैं उसमें आप क्या करेंगे, फैमिली के आप तो क्या करेंगे, उसके जो दूसरा नाम है या उसकी कुकुरबिटेसी के फैमिली में जो कौन कौन से प्लांट हैं, कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं, तो ये ज़्यादातर इन्फ्लोरेसेंस पूछ लेते हैं और उसका फ्लोरल डायग्राम है। तो इसमें फैमिली बहुत सारी हैं प्लांट की फैमिली, तो आपको जो इम्पोर्टेंट फैमिली है उसमें आप जैसे कुकुरबिटेसी पढ़ लीजिए और यूफोरबिएसी फैमिली इम्पोर्टेंट है और एपीएसी फैमिली ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है कि इसमें फैमिली के बारे में तो ज़्यादा इसमें बताया नहीं गया है, आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा जो इसमें दिया हुआ है आपका। इसमें देखिए LSC 13 जो है उसमें LSC 13 Block 4 LSC 13 का ये दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं, या LSC 08 में उसमें फैमिली दी हुई है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें फैमिली इसमें दी हुई है, फैमिली में ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो LSC 14 है ये बहुत ही ब्रॉड है, तो इसमें आप कैसे क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें, ये फैमिली के बारे में ये सब नहीं पढ़ना है आपको। आप क्या करें जिसमें फैमिली वाला जो LSC 13 है, LSC 08 है, आप क्या करें उसमें जो फैमिली वाला पोर्शन है प्लांट की जो फैमिली है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, जैसे कि ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें ये तो कॉमन दे दिया गया है कि किस फैमिली में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये तो कॉमन दे दिया गया है, ये फैमिली के एक फैमिली के बारे में नहीं दिया गया, प्लांट की फैमिली की ये फैमिली में ये होता है, अलग अलग नहीं दिया, वो मिक्स कर दिया गया है, तो आप इससे तो पढ़ नहीं सकते हैं। आप क्या करिए LSC 13 या LSC 08 को उठाइए, उसमें जितनी भी फैमिली प्लांट की जो फैमिली है उसके बारे में पढ़ डालिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन से फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, और फैमिली का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। और उसमें हाँ ये याद कर लीजिए कौन कौन से, अब जैसे पूछ लिया गया था कि कॉटन किस फैमिली पाया जाता है, मालवेसी फैमिली पाया जाता है, कॉटन का नाम बताइए, कॉटन का नाम गॉसिपियम है जैसा है उसका, तो आप सिंपल जो जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे लेडीज फिंगर मालवेसी पाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपके, ठीक है। ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, ये सारे फैमिली से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो उनको पता है कि इसमें ज़्यादातर फैमिली है प्लांट है, तो वो ज़्यादातर प्लांट की फैमिली के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, तो उसमें ज़्यादातर वही पूछ लेते हैं, फ्रूट पूछ लेंगे या इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछ लेंगे, ये ज़्यादातर इन्फ्लोरेसेंस ही पूछते हैं, ठीक है।
ये आप, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिंबल है, सिंबल इस बार आया था क्योंकि मेरी सिस्टर ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें ये कैलिक्स वाला पूछा गया था। कैलिक्स वाला दिया, ऑप्शन में के भी दिया था, सी भी दिया था। तो कैलिक्स ये याद कर लीजिए कि जो इस पहले वाला कैलिक्स है वो के से है और करोला जो है वो सी से है, ठीक है? क्योंकि दो अब कंफ्यूजन हो जाता है तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। तो ये जितने भी सिंबल हैं तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि जाइगोमॉर्फिक का ये सिंबल है तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसिमेट्रिक का ये है या बाइसेक्सुअल का ये है, ये सारे सिंबल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सुपीरियर ओवरी इन्फीरियर ओवरी का क्या है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस बार सिंबल से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप जानते हैं एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग लगा के कैसे क्या पढ़ना है। और ये सब जितने भी सिंबल दिए हुए हैं सिंबल आ सकते हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताए दे रहे हैं और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं, वहीं से आप पढ़िएगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है? जैसे ये सिंबल दिए हैं, ये एक मतलब देख लीजिएगा एक मेथड, क्योंकि मेरा भी जो हुआ था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो ये सिंबल मैंने जो है सिंबल हम देख के गए थे कि हाँ शायद ये आ सकते हैं, मुझे एक आइडिया था कि क्योंकि मैंने उसके पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था ऑब्जेक्टिव बेस पे, और तो मुझे लगा कि शायद वो सिंबल पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से कैसे क्या आएगा, कि मुझे मतलब कोई भी वीडियो भी नहीं, इसके बारे में किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि LSC 14 जो है बहुत ही ब्रॉड है, इसमें फाइव बुक हैं, आप तो जानते ही होंगे, पांच इसमें बुक हैं, तो उसमें आप कितना पढ़ेंगे, उसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या पढ़ना है हमें, तो आप क्या करेंगे? तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि हो सकता है वो सिंबल पूछ सके, तो मेरे ये आंसर सही हो गया था। तो आप विश्वास मानिए, ये आप सिंबल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सिंबल हो सकता है आ जाए, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो सिंबल आया था, ओके? जैसे कि ये सिंबल है तो ये सिंबल एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता आ जाए तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ये हो सकता है। अब चार ऑप्शन होते हैं तो कभी कभी वो सही आंसर हो जाता है, ठीक है? ये पूछा गया था सिनजेंसिस, और इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सिनजेंसिस क्या होता है, सिनेंडस क्या होता है, क्योंकि सिनेंडस या सिनजेंसिस में से एक क्वेश्चन आया था इसमें से, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी छोटे छोटे मतलब डेफिनेशन, सिनजेंसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब जैसे फैमिली कुकर पर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। अब इसमें तो दिया हुआ नहीं है क्योंकि इसमें लीफ इन्फ्लोरेसेंस ये सब दे दिया गया है, इसके बारे में नहीं लिखा क्या है, तो ये आप जाके जो LSC 13 की जो बुक है उसे आप पढ़ लीजिए। तो बस हम इतना बता रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना है आपको, इन्फ्लोरेसेंस अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन सा कुकर पर टेस्ट में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो ज़्यादातर लीफ उस टाइम नहीं पूछेंगे आपसे कि स्टेम है या लीफ है, कौन सी लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस पूछेंगे आपसे, ठीक है? ये पूछ सकते हैं, एस्टिवेशन पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। हाँ ये पूछ सकते हैं गायनोजियम, किसी में गायनोजियम अब्सेंट होता है प्रेजेंट होता है तो ये चीज़ आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड्रोसियम पूछ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं, जैसे फ्रूट पूछ सकते हैं कि कौन सा फ्रूट होता है इसमें कुकुरबिटेसी में, ठीक है? तो ये आपकी फैमिली दी हुई है, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो दिया हुआ है, और ज़्यादा तो उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तो आपको इसमें डायग्राम आएगा ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, बस सिंपल से पूछ लेंगे। अब ये कौन सी फैमिली है, एपिएसी फैमिली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी इन्फ्लोरेसेंस है पूछ सकते हैं, कौन सा फ्लावर होता है ये पूछ सकते हैं, ओवरी पूछ सकते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा बहुत सारी फैमिली है इसमें, तो ज़्यादातर जो हमने बताया है वही आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है? और फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसमें सिर्फ सारी फैमिली है तो आपको क्या करना है, फैमिली आपको क्या करना है, वो सॉरी आपको बुक उठानी है, बुक से फैमिली पढ़ना है, क्योंकि इसमें तो फैमिली नहीं दी है, बस इसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया गया कि हाँ ये चीज़ें आपको पढ़नी है, तो वो पढ़ना आपको, ये देखिए पेज नंबर भी दिया हुआ है, LSC 13 ब्लॉक 4 पेज नंबर 7, 9 से 8, 2 सारे फैमिली में आपको पेज नंबर दिया हुआ है, आप उससे जा कर के पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि इसमें पेज नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो आप पेज नंबर सॉरी इसमें आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, तो डिस्क्राइब भी नहीं है इसका पूरा, तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर, सारी फैमिली फॉर बी एस, ये इंपॉर्टेंट फैमिली है,
यू फॉर बी एस सी फैमिली जो है इम्पोर्टेंट है, और इसमें पेज नंबर भी आपका लिखा हुआ है, तो आप जाके वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इजी हो गया है कि आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं है, क्योंकि इसने पेज नंबर दिया है। जाइए पेज नंबर पे LSE 13 पे और आप उसे वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि ये वाइवा में भी आपके आएगा और आपका प्रैक्टिकल में भी, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी फैमिली से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो प्लांट फैमिली है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वाइवा में भी क्वेश्चन बहुत सारे इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे फैमिली से, और वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी फैमिली हैं, कौन कौन सी आपने पढ़ी है प्लांट फैमिली, या कौन सी, ये भी पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स में कौन सी प्लांट की फैमिली है, या मेरे सामने की बात है कॉटन पूछा गया था, कॉटन किस फैमिली से आता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस पूछा गया था, वर्टिसिलास्टर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, वर्टिसिलास्टर जो है इन्फ्लोरेसेंस सबसे पूछा गया था किस में पाया था, तो ये ऑसिमम में पाया था है, इसकी फैमिली मुझे इसमें याद नहीं आ रही है, तो ये जो इम्पोर्टेंट, हाँ ये जो है ये फ्लोरल डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लीजिएगा कुकरपिटेसी का, इसमें तो आपको मैच करना है, यहाँ तो नहीं मिलेगा आपको, बुक से ही आपको देखना पड़ेगा, इसमें तो मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो जितनी भी फैमिली है ये आप इसका एक बार, ये आने की संभावना है, ये तो नहीं कह सकते ये वाला, लेकिन ये आपका आ सकता है फ्लोरल डायग्राम। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ये LSE 08 से आप इसे कवर कर सकते हैं, ये हाँ इसमें फैमिली, इसमें भी फैमिली दी है, देखिए लैमिएसी फैमिली, ये हम आपसे अभी बता रहे थे कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि वर्टिसिलास्टर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है किस, कौन सी फैमिली में पाया जाता है, ये लैमिएसी फैमिली में पाया जाता है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ओसिमम इसमें आता है जिसको तुलसी बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन मुझसे आया था, और ये पूछा गया था कि जो एक क्वेश्चन और भी आया था कि इसमें याद नहीं है मुझे, एस्टेरेसी से पूछा गया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, कंपोजिटी है, पैप्लियोनेसी का इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पैप्लियोनेसी में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया था कीलो कैराइना जो होता है, इसमें जो कीलो कैराइना जो कोरोला होता है और कैलिक्स वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस, ये पाइसम सेटाइवन पी, हाँ ये मुझसे पूछा गया था कि इसका यूज जो होता है ये जेनेटिक्स में भी यूज होता है, डार्विन ने यूज इसको यूज किया था, मेंडल ने यूज किया था, मुझसे पूछा गया था मेंडल का पूरा नाम बताइए, उसने पूछा था मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था, तो मेंडल ने पी यूज किया था, जिसको पाइसम सटाइवम मटर जो होता है इसका नाम है पाइसम सटाइवम, और इसको मेंडल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसका पूरा मेंडल का नाम पूरा पूछ लिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, और पेपावरेशी फैमिली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाइकोट फैमिली, ये सारी फैमिली अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनर यही से क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि ये फैमिली जो होती है बहुत ही फेमस फैमिली है प्लांट की, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, फिर है ये ब्रैसिकेसी फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवेसी, वही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी पूछा था उसने मालवेसी फैमिली के, जितने भी इसमें प्लांट की स्पीसीज आती हैं, जैसे कि लेडीज फिंगर है, कॉटन है, उसके मतलब जितनी भी फैमिली उसके आप उसका जो वो होता है फॉर्मूला, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मालवेसी में जैसे कि आपका सनफ्लावर जो होता है वो आपका कंपोजिटी में आता है, तो सनफ्लावर को क्या बोलते हैं, उसका जो नाम होता है बोटानिकल नाम, वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरी फ्रेंड से तो उन्होंने सारे बोटानिकल नाम ही पूछ लिए थे जितने भी होते हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मालवेसी लिलियसी में जैसे कि आपका आपका लहसुन होता है वो पाया जाता है इसमें, ये लिलियसी में एलियम सेपा, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवेशम पोएसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस फैमिली में, इस जो प्लांट की फैमिली, ये फेमस फैमिली है, भले आप ये जो हमने अभी बताया था आपको डाइकोट फैमिली, ये भले आप एक बार मतलब थोड़ा सा अच्छे से मतलब भले छोड़ सकते हैं, मतलब यदि आपके पास टाइम नहीं है, वरना ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लेकिन जो ये इसके बारे में हम बात कर रहे थे,
या फैमिली बिल्कुल मत छोड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएंगे आपके और वाइबा में भी क्वेश्चन इसे आपसे पूछे जाएंगे। तो आप मालवेसी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ब्रैसिकेसी फैमिली, इसमें कौन कौन से, इससे ब्रैसिकेसी फैमिली में जैसे आपका सरसों आता है उसका क्या फुल फॉर्म, सॉरी उसका बोटानिकल नेम अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उसका क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका, रननकुलेसी होगा, लीलिएसी, पोएसी, मालवेसी, ब्रैसिकेसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ तो इसमें आपको पेज नंबर भी दे दिया गया कहाँ से पढ़ना है, LST 08 में आप जाएंगे उसमें आपको ये फैमिली मिल जाएंगी, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इसमें से आता है, तो दोनों में आपको अच्छे से हो जाएगा। तो वही बस दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है, बस इसमें क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। ये देखिए लीलिएसी, मालवेसी, कूसीफेरी, इसके करस्टेस्टिक दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। ये जो जितना भी बुक में दिया हुआ है इतना सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस जो मतलब जो चीज़ें मैंने मतलब जो एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ें मतलब आपको बताई जा रही हैं वो 100% वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वाइवा में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।